आई एग्जाम बी में आप सबका स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 15th वीडियो पे हम आ गए हैं और हम बोनस वीडियोस की सीरीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज थी 10 वीडियोस की, उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है और 10 वीडियोस के बाद जो भी वीडियोस आ रहे हैं उन्हें बोनस वीडियोस बोल रहे हैं। तो फिफ्थ बोनस वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन आपके AFO, AAO, FCIO, NABARD जैसे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके ये सारे वीडियोस देख लीजिए और मैं इंश्योर कर सकता हूँ 50% आपका काम यहीं से डन हो जाएगा इन एग्जाम्स का। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, आप एग्जाम बी का वेबसाइट विजिट करके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, जो बहुत हाई क्वालिटी के और अच्छे मॉक टेस्ट हैं आपके लिए, बहुत यूजफुल हो जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से है और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन AFO, AAO इन दोनों एग्जाम्स में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि मैंगो फ्रूट कितने दिन लेता है फ्लावरिंग के बाद मैच्योर होने में, मींस जब आम में बौर आएगा, मैंगो में जो फ्लावरिंग होती है उसे बौर कहा जाता है हिंदी में, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में, फ्रूट तैयार होने में, फ्रूट पकने में कितना टाइम लगता है। तो पहले इसका राइट आंसर देख लेंगे। इसका राइट आंसर है 120 to 140 days। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अराउंड जनवरी में मैंगो में फ्लावरिंग होती है। आपने देखा होगा आम में येलो कलर का बौर आने लगता है, फ्लावरिंग होने लगती है जनवरी में, और मैंगो की जो पहली फसल आती है, जो मैंगो का पहला फ्रूट मार्केट में अवेलेबल होता है, वो होता है अराउंड मई जून के टाइम पे। तो आप बीच में समझ गए कि अराउंड 3 महीने तो फरवरी मार्च अप्रैल ये तो लगते ही लगते हैं, 3 से 4 महीने फ्लावर से फ्रूट तैयार होने में लगते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडिंग हैबिट ऑफ इंडियन मेजर कार्प कटला फिशेस। तो कटला फिश इंडियन मेजर कार्प है, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, इसकी फीडिंग हैबिट कैसी है ये पूछा है। तो आप लोगों की बहुत डिमांड आती है कि क्वेश्चंस लिए जाएं फिशरीज से, फॉरेस्ट्री से या फूड टेक से, जो एग्रीकल्चर से थोड़े हटके सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर फिशरीज का ये क्वेश्चन है और बहुत यूजफुल और अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं AFO एग्जाम में या इवन NABARD में भी। तो फीडिंग हैबिट ऑफ इंडियन मेजर कार्प, इसका राइट आंसर है सरफेस फीडर। तो 3 तरह की फीडिंग हैबिट्स होती हैं, सरफेस फीडर, कॉलम फीडर और बॉटम फीडर। जो कटला फिश है वो सरफेस फीडर है। अब यहाँ पर इस टेबल से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंडियन मेजर कार्प्स 3 होती हैं, कटला, रोहू, मृगाल, ये तीनों इंडियन मेजर कार्प्स में आती हैं। और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये तीनों आती हैं आपकी एग्जॉटिक कार्प्स में। सामने इनकी फीडिंग हैबिट्स भी दी हुई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से फिशरीज का क्वेश्चन है और सिंपल सा रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वाली टेबल को ठीक से देखा है तो इसको आप खुद से आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीशीज ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स। तो आपको पहले ही बताया था, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये तीनों किसकी स्पीसीज हैं? एग्जॉटिक कार्प्स स्पीसीज हैं। और रोहू, कटला और मृगाल, रोहू, कटला और मृगाल, ये तीनों इंडियन कार्प्स होती हैं। तो ये तीनों इंडियन कार्प्स की स्पीसीज हैं। यहाँ से आपको आपका आंसर मिल गया, इसका राइट आंसर हो गया रोहू, जो इंडियन मेजर कार्प्स का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द क्रॉप्स ऑफ मैंडेरिन एंड स्वीट ऑरेंजेस, अंबे बहार सीजन ऑफ ब्लूमिंग अकर्स इन द मंथ ऑफ। अंबे बहार सीजन किस मंथ में ब्लूमिंग करता है? हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस करा था कि 3 सीजन्स होते हैं सिट्रस क्रॉप्स में, अंबे बहार, हस्त बहार और मृग बहार। सबसे पहले आता है अंबे बहार, फिर मृग बहार, फिर हस्त बहार। अंबे बहार में फ्लावरिंग होती है जनवरी में, जब आम में फ्लावरिंग होती है, अंबे से आप आम को याद रख सकते हैं। मृग बहार में फ्लावरिंग होती है जून में और हस्त बहार में फ्लावरिंग होती है अक्टूबर में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था मेंटेनेंस ऑफ स्वीट ऑरेंज में अंबे बहार सीजन की ब्लूमिंग कब होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी। और एक बार फिर से आप टेबल भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हमने टेबल में ऐड कर दी है, वो है टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है कि मृग बहार में फ्लावरिंग कब होती है या अंबे बहार में फ्लावरिंग कब होती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि हस्त बहार की क्रॉप कब रेडी होती है हार्वेस्ट के लिए, या अंबे बहार की क्रॉप कब रेडी होती है हार्वेस्ट के लिए। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेज द पीएच ऑफ सैंडी लोम पॉन्ड बाई 1 यूनिट अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड। जो सैंडी लोम पॉन्ड होता है उसका अगर पीएच कम हो गया, पीएच बढ़ाया इसलिए जाता ताकि उसमें फिशरीज प्रोडक्शन किया जा सके, फिशेज या क्रस्टेशंस को पाला जा सके, इसलिए लाइम यूज किया जाता है पीएच को नॉर्मल करने के लिए। और सैंडी लोम पॉन्ड होगा, जिसकी सॉइल सैंडी लोम होगी, उस केस में कितना लाइम यूज किया जाता है 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए। 1 यूनिट से बढ़ाने से यहाँ पर मतलब है पॉन्ड का पीएच 5 है, तो उसको 6 लाने के लिए
कितना लाइम लगेगा। पहले इसका राइट आंसर देख लिया हमने, 400 केजी पर हेक्टेयर, तो एक हेक्टेयर साइज के लिए करीब 400 केजी लाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉर्मल पीएच होता है पॉन्ड का 7 to 8.5, तो अगर 6 है पीएच पॉन्ड का और उसे 7 लाना है तो हम 400 केजी डालेंगे, 5 से 7 लाना है तो 800 केजी यूज करेंगे लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप एग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करता है। तो राइट आंसर आ गया आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है, देन आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु, एंड देन तमिलनाडु के बाद आता है महाराष्ट्र और पंजाब। तो ये टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स या लीडिंग एग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इंडिया के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन है लेकिन इसके बाद अब एग के बाद मीट की बात यहां पर आ गई, टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया का। तो ये आ गया उत्तर प्रदेश, एग सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है और मीट प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर हरियाणा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत यूजफुल हैं, इनको भी आप नोट करके रखेंगे अपने पास। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS AFO का ऑनलाइन कोर्स एग्जाम की वेबसाइट विजिट करके खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस होंगे आपकी, और ये बहुत कम कीमत पर अवेलेबल है वेबसाइट, तो आप विजिट कर लीजिए, डेमो देखिए और कोर्स खरीद लीजिए। क्योंकि SSSC AO FCI जैसे एग्जाम्स का कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज को देखने के लिए।